नमस्कार, नीतीश कुकिंग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बंगाल की बहुत ही फेमस रसमलाई, और ये बहुत ही जूसी और एकदम स्पंजी बनने वाली है। बिल्कुल हलवाई की स्टाइल में बनाएंगे। इसके लिए मैं आपको सारे टिप्स दूँगी, आप उसको फॉलो करेंगे ना तो आपको बिल्कुल, आप ये देखेंगे कि बिल्कुल हलवाइयों के जैसी आपको रसमलाई देखने को मिलेगी। ये देखिए आप कितनी स्पंजी, और मैं कितना अच्छे से इसको प्रेस कर रही हूँ, दबा रही हूँ, और इसका जूस इतना निकल रहा है बहुत अच्छे से, और ये बिल्कुल भी नहीं टूट रही है। आप ये देखिए कितनी परफेक्ट बनने वाली है। तो चलिए रसमलाई बनाना स्टार्ट करते हैं, हलवाई जैसी, और एक नया फ्लेवर टेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ना। तो फ्रेंड्स, रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए रस बनाएंगे। इसके लिए मैं यहाँ 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क ले रही हूँ। दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि बहुत अच्छे से क्रीम वाला हो, ताकि बहुत बढ़िया गाढ़ा हो जाएगा ये। गाढ़ा से मेरा मतलब वो नहीं है जो बहुत हम बिल्कुल एकदम थिक कर देते हैं। तो पहले हम इसमें उबाल आने देंगे। तो ये देखिए दूध में उबाल आ चुका है। तो यहाँ पे हम कुछ डाल रहे हैं केसर के थ्रेड्स, ये बहुत ही ज़रूरी है इंग्रेडिएंट इसमें जो जो मैं डाल रही हूँ। तो केसर मैंने डाल ली है, इससे बहुत बढ़िया कलर आएगा रसमलाई में। आधा चम्मच हम डाल रहे हैं इलायची पाउडर। अब हम डाल रहे हैं फ्रेंड्स 2 चम्मच मैंने यहाँ पे कटे हुए पिस्ता लिए हैं, चॉप्ड पिस्ता। और अब हम डालेंगे इसके अंदर चॉप्ड बादाम, वो भी 2 चम्मच लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स हम अच्छे से डाल रहे हैं, तभी रसमलाई का जो रस होता है ना वो बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे 2 पिंच हम ये येलो फूड कलर डाल रहे हैं, ये ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हैं। पर लेकिन अगर हम हलवाई जैसी बना रहे हैं तो ये डालना ज़रूरी है, हलवाई लोग भी इसको ज़रूर डालते हैं, उसी से एकदम परफेक्ट कलर आता है। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 1/2 कप शक्कर डाल रही हूँ मैं, चीनी। और इसके लिए जो है आप मीठा कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर लेते हैं, और अब इसको लो फ्लेम पे थोड़ा सा पकाएंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि रस हमें पतला ही रखना है, वरना ये हम जो छेने की जो टिक्की बनाएंगे उनमें ये रस अंदर तक नहीं जाएगा। तो अब टिक्की बना लेते हैं। उसके लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ 1 किलो दूध लिया है, 1 लीटर, और यहाँ पे मैंने गाय का दूध लिया है। मैं अक्सर रसगुल्ले या रसमलाई के लिए गाय का दूध ही प्रेफर करती हूँ। आप कोई सा भी ले सकते हैं, पैकेट वाला, थैली वाला, लेकिन वो जो टेट्रा पैक आते हैं वो मत लीजिएगा, फ्रेश दूध चाहिए अगर आपको बिल्कुल स्पंजी आपको छेना टिक्की बनानी है तो। तो अब हम इसको उबाल आने देते हैं, तब तक हम थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं इसको दूध को फाड़ने की। तो मैं दूध फाड़ूंगी यहाँ विनेगर से, आप नींबू से भी फाड़ सकते हैं। तो मैं यहाँ 2 छोटे चम्मच मैंने ये विनेगर लिया है, तो ये मैंने 2 चम्मच विनेगर ले लिया है। अब मैं इसको कर लूँगी थोड़ा सा डाइल्यूट, अगर आप नींबू ले रहे हैं तो उसको भी प्लीज़ डाइल्यूट कर लीजिए। तो ये मैंने पानी इसमें मिला लिया है, क्योंकि हम एकदम कॉन्सेंट्रेट डालते हैं तो फटाफट दूध फट जाता है, और फिर वो एकदम रबड़ जैसा, च्यूई जैसा हो जाता है, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं फटेगा दूध। तो ये देखिए दूध में आ चुका है उबाल बहुत अच्छे से। तो अभी ये दूध में उबाल आ गया, मैंने गैस बंद कर दी है। अभी हाथों हाथ हम इसमें नहीं डालेंगे, दूध को 5 मिनट के लिए मात्र ठंडा करेंगे। तो ये देखिए दूध ठंडा हो चुका है, 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर हमारा डाइल्यूट जो हमने किया है विनेगर वो डालेंगे, लेकिन एक साथ नहीं, वरना सारा दूध एक साथ फट जाएगा। थोड़ा थोड़ा डालेंगे, 1 मिनट घुमाएंगे इसको हम थोड़ा सा, फिर थोड़ा डालेंगे, फिर थोड़ा सा घुमाएंगे। तो ये देखिए मैंने एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया है, हर बार मैंने इसको 1 मिनट के लिए घुमाया है, इसीलिए आप ये देखिए डालते ही दूध नहीं फटा। अभी भी देखिए पूरी तरह नहीं फटा है, थोड़ा सा ही फटा है, वरना क्या होता है एक साथ डालते हैं तो दूध फटाफट फटता है और जो हमारा छेना है ना वो चूई हो जाता है। अब देखिए तो ये छेना अलग हो चुका है, थोड़ा कलर भी अलग हो चुका है पानी का, बिल्कुल अच्छे से फट चुका है ये दूध अलग। ये देखिए हमारी रसमलाई भी बहुत अच्छे से हो चुकी है, ज़्यादा नहीं पकानी है हमको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी तो हमारे जो छेना टिक्की है ना उसके अंदर ये नहीं जाएगी और टिक्की इनको नहीं पिएगी। तो ये देखिए अब गैस मैंने बंद कर दी और उसको हमने ठंडा करने के लिए रख दिया है। तो छेने के लिए मैंने यहाँ पे एक बर्तन लिया है ताकि पानी इसमें आ जाएगा, और छन्नी ली है तो ये छेना इसमें आ जाएगा। इसमें मैं मलमल का, आप कोई सा भी कपड़ा ले सकते हैं, मैं यहाँ दुपट्टे का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब हम ये जो है फटा हुआ जो हमारा छेना है तो इसमें हमने छान लिया है, पानी नीचे चला गया है, छेना ऊपर रह गया है, और बहुत ही सॉफ्ट बनता है गाय के दूध का छेना। अगर आप रसमलाई बहुत स्पंजी और बहुत सॉफ्ट बनाना चाहते हैं और कम फेंटना चाहते हैं तो गाय का दूध इस्तेमाल कीजिए। तो वेस्ट पानी हमने फेंक दिया है, अब उसके बाद हम इसको अच्छे से पहले वॉश करेंगे, ताकि जो हमने विनेगर डाला है या नींबू डाला है तो उसका जो है असर एकदम ख़त्म हो जाएगा, खट्टापन निकल जाएगा और विनेगर की स्मेल भी निकल जाएगी, ये बहुत ज़रूरी है, और इससे थोड़ा सा छेना ठंडा भी हो जाएगा। हम इसको हाथ से अभी मस लेंगे। तो ये देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से इसको धो लिया है, और अब मैं इसको निचोड़ूंगी। और अगर आप
भैंस का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा मत निचोड़िए, थोड़ा सा उसमें पानी रहने दीजिए, मॉइस्चर बहुत ज़रूरी है थोड़ा सा। लेकिन गाय का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छे से निचोड़ सकते हैं, क्योंकि गाय के दूध का छेना जो है बहुत ही सॉफ्ट होता है, मॉइस्चर की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे मैंने देखिए इसको निचोड़ लिया है अच्छे से, फिर भी मैंने थोड़ा सा मॉइस्चर छोड़ दिया है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको खोल करके कि हमारा छेना कैसा बना है। ये देखिए छेना कैसा बना है, कितना गज़ब का बना है, बहुत ही सॉफ्ट है। अब हथेलियों की मदद से हम इसको अच्छे से रब करेंगे, इसके जो छेना के जो पार्टिकल्स हैं, जो दाने हैं, एकदम बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाने चाहिए। बढ़िया मसल लीजिए आप इसको, और अगर भैंस का आप दूध ले रहे हैं तो उसमें कम से कम 10 मिनट लगेंगे मसलने में। टाइम कोई फिक्स नहीं है, हर दूध का अलग अलग टाइम होता है, तो टाइम मत देखिए आप, पर लेकिन आप ये देखिए कि बिल्कुल एकदम स्मूथ हो जाना चाहिए कि जब हम छेना टिक्की बनाएं तो वो छेना टिक्की में क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। तो अब इस स्टेज पर हम डाल लेंगे इसके अंदर 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च। आप इसकी जगह मैदा भी काम में ले सकते हैं, पर इससे बहुत ही बढ़िया स्पंजी बनेंगे। अगर मॉइस्चर ज़्यादा है छेना में तो 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। और अब हम दोबारा से इसको फिर से मैश करना स्टार्ट करेंगे। ये कितना अच्छे से स्मूथ दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया चिकना हो जाना चाहिए। बिल्कुल ये देखिए चिकना हो चुका है। तो ये मैंने एक साइड में इकट्ठा करके रख लिया है छेना टिक्की बनाने के लिए। उससे पहले फ्रेंड्स हम चाशनी चढ़ाने के लिए रख देते हैं, ताकि जब तक हम छेना टिक्की बनाएंगे चाशनी में उबाल आ जाएगा। तो ये बहुत बड़े चौड़े मुंह का आपको कोई पैन लेना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे 2 कप चीनी। आप चाशनी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी बना सकते हैं, मैं चाशनी बहुत ज़्यादा बना रही हूँ, क्योंकि हम इनको बहुत देर तक उबालेंगे तो चाशनी उबलते उबलते क्या होता है कि कम रह जाती है। और बड़े मुँह का पैन इसलिए लेना है क्योंकि हम छेना टिक्की इसमें डालेंगे तो वो फूल जाएंगी, तो उनको फूलने के लिए स्पेस चाहिए। तो यहाँ मैंने 7-8 कप पानी लिया है। तो अब मैं इसको उबालने दूंगी, शक्कर घुल जाए और ये बस उबल जाए, इतना ही चाहिए। हमें चाशनी नहीं बनानी है इसकी, केवल ये शुगर मेल्ट हो जाएगी। हाई फ्लेम पे मैं इसको कर रही हूँ। तो थोड़ा सा पोर्शन हम ले लेते हैं छेना का, और अब हम इसको फ्रेंड्स घुमाएंगे गोल 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 गोल, और गोल गोल घुमाते ही आपको एकदम चपटा करना है, इसका लड्डू या बॉल नहीं बनानी है। ये देखिए गोल गोल घुमाते घुमाते ही आप बस यहाँ प्रेस कर दीजिए इस तरह से। तो ये देखिए बिना दरार वाली, बिना क्रैक वाली इस तरह से आप बना लीजिए टिक्की छोटी छोटी। बहुत बड़ी नहीं बनानी है, क्योंकि फूलने के बाद बहुत बड़ी हो जाएंगी, फिर वो अच्छी नहीं लगेंगी। रसमलाई की टिक्की बहुत ज़्यादा बड़ी अच्छी नहीं लगती है। ये देखिए आप इतनी छोटी छोटी मैं आपको साइज़ बता रही हूँ, मैं 1 इंच डायमीटर की यहाँ पर छेना टिक्की बना रही हूँ। तो इस तरह से आप गोल गोल घुमाइए। अगर लड्डू बना करके आप उसको दबाएंगे तो फ्रेंड्स वो क्रैक्स आ जाएंगी चारों तरफ उसमें, और फिर वो जो है हम जब उबालेंगे तो ये फट जाएगी हमारी छेना टिक्की। तो ये फ्लैट रसगुल्ले मैंने तैयार कर लिए, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए बस घुमाते घुमाते आपको थोड़ा सा चपटा करना है इसको। तो और इस तरह से 1-1 इंच डायमीटर की बिना क्रैक वाली हम ये टिक्की बना लेंगे। थोड़ी बहुत क्रैक आएंगी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, ये टिक्की बनके तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो 1 टिक्की पहले उबलती हुई चाशनी में डाल के देख लीजिए, अगर ये फट रही है तो थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च और मिलाया जा सकता है इसमें। तो देखिए चाशनी में आ चुका है उबाल, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम इसकी गंदगी को साफ़ करेंगे, तो क्योंकि छेना टिक्की जब हम इसमें डालेंगे ना तो वो गंदी हो जाएंगी। तो मैंने 1 चम्मच इसमें दूध डाल दिया है, देखिए गंदगी आ गई है ऊपर सारी। शक्कर में थोड़ी बहुत फ्रेंड्स गंदगी होती है, तो जब हम छेना टिक्की डालते हैं तो ये गंदगी क्या होता है थोड़ी सी जो है उस पर चिपक जाती है, और वो छेना टिक्की थोड़ी सी मैली हो जाती है। तो यहाँ मैंने गंदगी साफ़ कर ली है, अब हम इसमें डालेंगे छेना टिक्की। और ये देखिए हमारी टिक्की कितनी प्यारी लग रही है, डालते ही एकदम फ्लोट होना शुरू हो जाती हैं और बहुत अच्छे से तैर रही है। पानी में धीरे धीरे डालना है आपको, एक एक करके इसमें जो बबल्स आ रहे हैं ना वो लगातार बनते रहने चाहिए। अगर ये बबल्स स्लो होते हैं तो आप थोड़ी देर रुक जाइए। तो ये देखिए अभी से फूलना स्टार्ट हो गई है ना, आपको दिख रही है बड़ी। तो अब मैं इनको क्या करूँगी फ्रेंड्स, ढक करके इनको लगभग 15 मिनट पकाऊँगी, और बीच बीच में इनको मैं खोल करके भी देखूँगी और आपको भी दिखाऊँगी, चेक करेंगे हम बीच बीच में। तो हम वेट करते हैं। तो ये देखिए 5 मिनट हुए हैं अभी, और मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि 5 मिनट के बाद ये देखिए फ्रेंड्स कितनी गज़ब की लग रही हैं और बहुत ही बढ़िया फूल चुकी हैं। अगर 5-6 मिनट के अंदर ये ऐसी हो जाती हैं तो बिल्कुल सही बनी है, वरना
फिर ये क्या होता है, ये बाद में नहीं फूलेंगी, पर भैंस के दूध की थोड़ी सी देर भी लग सकती है। तो अब हम इनको एक बार पलट लेंगे ताकि ये पीछे की तरफ से भी अच्छे से बढ़िया से कुक हो जाएंगी, पर बहुत जेंटली इनको करना है क्योंकि अभी इस समय ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके सारी रसमलाई की टिक्की ना बिगड़े तो एक आप थोड़ी सी बॉईल करके देख लीजिए। यहाँ पे फ्रेंड्स 10 मिनट हो चुके हैं, अब ये देखिए चाशनी हमारी कम हो गई है, तो यहाँ पे मैं उबलता हुआ एकदम गरम गरम पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। ठंडा पानी डालेंगे तो ये बबल्स बनने बंद हो जाएंगे और कुकिंग यहाँ पर बीच में रुक जाएगी। तो अब हम ढक देते हैं दोबारा से और फिर मैं आपको थोड़ी देर दिखाऊँगी यहाँ पर कि अब कैसी कंडीशन है फ्रेंड्स। और अब हम इसको करेंगे स्लो पर कुक करेंगे इसको। ये देखिए अभी हम गैस जो है अभी हमने हाई पे कर रखी है, अब 15 मिनट हो चुके हैं। तो एक एक बार मैं आपको और पलट दूंगी इसको और एक बार मैं आपको दिखा भी देती हूँ इसको। ये देखिए कितनी गजब की बनी है फ्रेंड्स, अभी हम इसको दबा के नहीं देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है अभी। अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, गैस बिल्कुल कर देनी है लो, ये देखिए है ना। और अब आपको कम से कम 6-7 मिनट इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर ढक के पकाना है। तो देखिए 6-7 मिनट हो चुके हैं, अब ये बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से कुक हो चुकी हैं और बहुत बढ़िया बन चुकी हैं। ये देखिए आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं और बहुत परफेक्ट बनी है, एक भी टिक्की हमारी फटी नहीं है, कोई भी टूटी नहीं है, एकदम परफेक्ट बनी है बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। तो गरम गरम तैयार हो चुकी है, रसमलाई ठंडी हो चुकी है हमारी, बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखिए हमारी रसमलाई एकदम ठंडी है। तो यहाँ पे आपको एक ज़रूरी टिप देना चाहती हूँ मैं आपको, दोनों में से आपको फ्रेंड्स कोई एक चीज़ गर्म लेनी है, ज़रूरी है। चाहे तो आप इनकी रसगुल्ले के टिक्की को ठंडा करके ले लीजिए, तो रसमलाई का रस जो है गर्म कर लीजिए। रसमलाई का रस यहाँ हमारा ठंडा है लेकिन हमारी रसगुल्ले टिक्की गर्म है, तभी ये जूस उसके अंदर जाएगा वरना ये नहीं जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक टिक्की उठाएंगे और ये बहुत गर्म है तो हम स्पून की मदद से इसको हल्का सा प्रेस करेंगे। देखिए कितनी स्पंजी है ना, इसीलिए सारा जूस आराम से निकल रहा है। और इसको हम शुगर सिरप निकाल के इसको हम रस के अंदर ऐड करते जाएंगे इस तरह से। ये बहुत गर्म है इसलिए स्पून से ही करिएगा इसको, शुगर सिरप निकाल के थोड़ा सा, और हम इसको ठंडे ठंडे रस में ऐड करेंगे। इससे सारा रस पी जाएंगी ये जो टिक्कियां हैं हमारी, देखिए मैंने सारी इसमें डाल ली हैं। और ये अभी बिल्कुल भी खाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि अंदर से बिल्कुल वाइट है अभी हाल, इसमें टाइम लगेगा इनको एकदम कलर आने में और इनको जूस पीने में। तो हम इसको लगेंगे 6-7 घंटे हम इसको रख देंगे फ्रिज में ताकि ख़राब ना हो, फिर बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो जाएंगी और ये सारा जूस अंदर पी जाएंगी बहुत अच्छे से। ये देखिए अब बिल्कुल फ्रेंड्स 6-7 घंटे हो चुके हैं, मैंने इनको निकाल लिया है और आप देखिए कलर कितना बढ़िया आया है, इन्होंने जूस बहुत अच्छे से पी लिया है, अंदर तक एकदम येलो हो चुकी हैं ये। मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी बढ़िया है, शेप भी बहुत बढ़िया। ये देखिए आप फ्रेंड्स कितनी स्पंजी हैं, ये देखिए मैं दबा रही हूँ इनको लेकिन ये टूट नहीं रही है बिल्कुल भी, एकदम हलवाई स्टाइल में बनी है। ये देखिए आप मैंने कितना अच्छे से इनको निचोड़ दिया है और जितना इसमें से जूस बाहर निकला है ना, अभी ये दोबारा पी जाएंगी। देखिए बिल्कुल खाली हो गई है, ये एकदम सूख गई है। अब मैं इसको दोबारा डिप कर रही हूँ इसके अंदर और अब ये दोबारा जूस पी लिया है इन्होंने, देखिए तभी स्पंजी होती है तभी पियेंगी दोबारा जूस। ये देखिए फ्रेंड्स है ना कितनी, ये देखिए वापस शेप इनका पूरा फूल रहा है, कमाल की बनी है ना। तो अब हम इनको कर लेते हैं सर्व। तो ये देखिए मैं इनको सर्व कर रही हूँ मेरे एक ये बहुत ही प्यारा जो मेरा बाउल है। ये एक ट्रेडिशनल डिश है फ्रेंड्स और ये कोई त्यौहार हो हम रसमलाई तो बिल्कुल भूलते ही नहीं है। इसका जूस भी एकदम परफेक्ट बना है, गाढ़ा नहीं है। ये देखिए मेरा जो ट्रेडिशनल बाउल है, मुझे ये रसमलाई इसी में ही अच्छी लगती है तो मैंने इसी में सर्व करी है इसको, इससे इसकी खूबसूरती और भी बढ़ गई है। तो रसमलाई हमने कर ली है सर्व और ये बहुत ही प्यारी लग रही है और बहुत ही बनी बहुत अच्छी है, आपने देखा है, और खुशबू और फ्लेवर बहुत अच्छा है। थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, गार्निश कर लेते हैं इसको सैफ्रन थ्रेड से। और अब हम इसमें डाल लेंगे थोड़े से हमारे कटे हुए पिस्ता जो हमने थोड़े से बचा के रखे थे, तो अब उससे हम गार्निश कर लेते हैं, थोड़े से कटे हुए बादाम और ऊपर से डालेंगे तो सुंदरता और बढ़ जाएगी। घर में कोई आएगा तो देखता रह जाएगा। थोड़ी सी इसमें एक लगा लेते हैं रोज़ पेटल। ये देखिए अब देखिए आप इसकी खूबसूरती रसमलाई की, और उतनी ही टेस्टी बनी है खाने में भी, बहुत ही मज़ेदार जूसी एकदम। तो कोई भी त्यौहार आए आप रसमलाई ज़रूर बनाइए और मेरी रेसिपी फॉलो करेंगे तो बिल्कुल हलवाई स्टाइल की रसमलाई बनेगी और बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी बढ़िया लग रही है ना, डिलीशियस। तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है वाकई में तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना मत भूलिए। ओके फ्रेंड्स बाय बाय, फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ।